टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के शिवाजी नगर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाउसिंग सोसाइटी में आज पानी की छींच पाइपलाइन का उद्घाटन शानू पठान ने किया है। कई सालों से दुर्गा माता मंदिर परिसर, रईस बाग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाउसिंग सोसाइटी और राम निकेतन चाल, भीमनगर, आजाद नगर में पानी की काफ़ी किल्लतें थी। इन इलाकों में पानी बेचने का भी कारोबार किया जाता था, मगर अब पूरे डोंगर भाग में पाइपलाइन बिछाई गई है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाउसिंग सोसाइटी में आज शानू पठान ने नारियल फोड़कर पानी की पाइपलाइन का ओपनिंग किया है। साथ में मर्जिया पठान और अन्य एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और बाकी के अन्य इलाकों में भी पानी पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। शानू पठान और मर्जिया पठान ने आज इस इलाके में पानी की पाइपलाइन की ओपनिंग की और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। शानू भाई, इस एरिए में बताया जा रहा है करीब तकरीबन 36 साल के बाद इस तरह का पानी के पाइपलाइन का काम हुआ है, क्या कितना इस पे लागत लगी है, क्या पूरा ये डिटेल है इसके बारे में बताइए। थाना महानगर पालिका को आज बन के कई वर्ष हो गए, लेकिन 2017 में और 2009 में डॉक्टर जितेंद्र अवर जी आने के बाद 2017 में हम लोगों ने जब यहाँ से नगर सेवक बने, उसके बाद हमने इस डोंगर परिसर में लोगों से वादा किया था कि इस डोंगर भाग के अंदर जहाँ पे राम निकेतन चाल, दुर्गा माता मंदिर, रईस बाग, शिवाजी नगर, भीम नगर, आज़ाद नगर, इन डोंगर भाग के अंदर में पानी की तकलीफें बहुत थी। लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते थे और नल का पानी नामात्र था, मतलब 2 अंडे 4 अंडे लोगों को मिल जाए यही बहुत गनीमत थी। और आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भाग डोरी अपना बोरिंग डोंगर भाग में डॉक्टर जितेंद्र अवर जी ने 30 जनवरी को ताकी की ओपनिंग की, जिसमें सम्राट उदयनगर, कैलाश नगर, सिद्धार्थ नगर, सुमनताई और अलमास, ऐसे कई टाकी के उद्घाटन किए, जिसके बाद हम लोगों ने टप्पे वाइज 6 इंच की लाइन हर चालू में देने की शुरुआत की। आज आप जिस जगह पर ओपनिंग हुई है वो पहला टप्पा था हमारा। हमने पहले टप्पे के अंदर ये 50 सुरंग की चाली है, इनको यहाँ पे एक कनेक्शन दिया, हर जगह पर वॉल रहेगा और लोग टप्पे वाइज यहाँ से पानी बनेंगे। हमने पहले शुरुआत 40 मिनट पानी देने का सोचा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी सर्वे करके उन लाइनों उन जगहों पे हम पानी की 3 इंच की लाइन इससे एडिशनल ज्वाइंट करके हम 3 इंच की लाइन डालेंगे, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर हम छोटी लाइनें डालेंगे तो लाइनें फट जाएंगी, आधी इंच की लाइन आपने देखे वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि पंपिंग करके पानी आ रहा है। लेकिन जो हमारा संकल्प था, जो हमारा वादा था और डॉक्टर जितेंद्र अवर जी के मार्गदर्शन में जो हमने पुमरा कोसा के अंदर पानी देने के लिए संकल्प लिया था वो पूरा हो गया। जिस तरीके से 2017 में इस भागों में इन परिसरों में मैंने खास तौर से बोला था कि डोंगर बाग के दुर्गा माता मंदिर, रईस बाग, उत्तर भारतीय नगर, राम निकेतन चाल, नेताजी सुभाष चंद्र चाल, रईस बाग रोड, शिवाजी नगर, भीम नगर, आज़ाद नगर, इन पट्टों को आने वाले वक्त के अंदर हम हर गली में पानी देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा संकल्प पूरा हुआ। शबे बारात का बड़ा दिन है और होली है, इन दोनों बड़े त्योहारों पे इन एरियो में पानी की वजह से काफ़ी हद तक खुशी रहेगी और पानी का व्यापार ना हो पाए इसीलिए सर्वे करके अभी से किन लाइन किन जगहों पे कितनी लाइन दे रहे उसका पूरा डाटा हम सर्वे में मंगा रहे, ताकि लोग पानी का व्यापार भी नहीं कर सके और पानी बेच भी नहीं कर सके। और आपके जरिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये लाइनें आपके घर तक दे दिया है, मेहरबानी करके किसी को पैसा ना दे, ये लाइनें फ्री है। यहाँ से नीचे पानी देने में 70,000 से 80,000 रुपये तक लोगों को खर्चा आता था, 100 पाइप जाते थे, मोटर जाता था पर्सनल लाइन के लिए। अब उन लोगों को बिना फ्री आप यहाँ तक उनको घर तक हम पानी की लाइन दे रहे हैं। आपके जरिए मीडिया के जरिए हम सभी लोगों से विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि लाइनें हमने बाकायदा मुफ्त दिए, आप किसी को पैसा ना दें, क्योंकि हमेशा से हम पैसे रिश्वत देना शुरुआत करते हैं तब लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है।
आप भी रोकिए और कोई पैसा मांगे हमें भी इतनी लगी है। इंशाल्लाह ताला डॉक्टर जितेंद्र भट्ट जी के माध्यम से हमें पूरी टीम यहाँ पे लोगों को फ्री पानी मुहैया कराने वाली है, जिसका संकल्प आज से पूरा हो गया और टप्पे वाइज हम आने वाले एक महीने के अंदर पूरे डोंगरबाग के अंदर पानी की जो तकलीफ थी वो ना के बराबर हो जाए। मर्जी पटेल, आज यहाँ पर पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे? जैसा अभी अशरफ शानू पठान जी ने आपको पूरा एक्सप्लेन किया इसके बारे में, तो वही सब पूरा प्रोसेस है जिसका फॉलोअप हम लोग ले रहे थे, मैं मेरी टीम ले रहे थे एवरीडे। वो उन्होंने बता दिया था पूरा, हर सर्वे में वो रहते थे हमारे साथ कि कैसे क्या कहाँ कहाँ पर लाइन जानी चाहिए, एक एक गली में, एक एक जगह पे, एक एक घर में पानी जाना चाहिए। हम लोगों ने ये एक नई टैगलाइन शुरू किए थे, हर घर पानी घर घर पानी। तो ये सोच के हिसाब से हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह 50% काम हो चुका है और अभी बाकी का जैसे कि आज़ाद नगर में और नीचे की तरफ जो 50% दुर्गा माता मंदिर हमको कवर करना है, रामनाथ चौल जो है हमको कवर करना है, वो हम लोग इंशाल्लाह भीमनगर जो भी थोड़ा 50% जो रह गया है हमारा पट्टा, उसको इंशाल्लाह हम लोग कोऑर्डिनेशन से, प्लानिंग से, इम्प्लीमेंटेशन से जल्द पूरा करेंगे।